दिखा रहा है। तो इस समय हम रघुवर लॉन में जहाँ पे उड़ान प्रस्तुति है डांडिया उत्सव को लेकर के, डांडिया उत्सव को लेकर के लोग डांडिया की उड़ान उड़ रहे हैं, क्योंकि उड़ान की जो प्रस्तुति है वो लोगों के अंदर एक पंख लगाने का काम कर रही। और जितनी महिलाएं यहाँ पे थी वो डांडिया के उत्सव में उड़ रही थी। तो हमारे साथ सरिता जी है जो की उड़ान फाउंडेशन की अध्यक्ष भी है और उड़ान अकेडमी की ऑनर भी है। तो मैम क्या कहना चाहेंगे आज के आयोजन के बारे में? सभी मीडिया बंधुओं का पहले तो धन्यवाद उड़ान के छोटे परिवार को, मतलब इतने छोटे से प्रोग्राम को इतना बड़ा करने के लिए। आज उड़ान डांडिया उत्सव सीजन 9 है। उड़ान एवं आशा वेलफेयर तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और महिलाओं को थोड़ा सा इंटरटेन कर सकते हैं, कह सकते हैं डांडिया के माध्यम से। और देवी माँ का जो अभी अभी हम लोग ने 9 दिन पूजा करी, उसका एक उत्साह अलग ही था, उसी को लेके आज तक हम लोग उत्साह में डांडिया को करते जा रहे हैं। उड़ान सीजन 9 ने लोगों के पंखों को उड़ान दे दिया, लोग डांडिया की उड़ान में उड़ रहे हैं। जी ऐसा ही है, कुछ उड़ान है तो ऑफिस की बात है, सब लोग उड़ रहे हैं साथ में। प्लीज मैम जी, ये धूप और ज्यादा होगा, ये तो अभी थोड़ा सा है। उड़ान परिवार आज पूरा जमा है और बहुत मस्ती किए, बहुत धूम किए, और हमेशा की तरह उड़ान परिवार आशा वेलफेयर परिवार एक साथ है और आगे इससे भी बेहतरीन धूम करेंगे। हमारी सारी टीम यहाँ पे मौजूद है और बस मस्ती ही मस्ती करना है, क्योंकि उड़ान जो टीम है, उड़ान टीम ने जो डांडिया की उड़ान को एक पंख लगा दी है। बिल्कुल, महिलाओं को जरूरी है कि घर से जब बाहर महिलाएं निकलती है तो उनको पंख मिलता है और यहाँ पे आके सारी महिलाएं बिंदास होके मस्त होके डांस करती है, मस्ती करती है, धमाल मचाती है। हर साल ये धमाल होता रहेगा। टीआईडी को जिस तरह से आप देखते हैं, जी टीवी पे टीआईडी को देखते हैं, टीआईडी सुपर मॉम की जो टॉप 5 में रहने वाली मैम है, तो मैम से बात करेंगे। मैम कैसा लगा? मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। ये उड़ान की तरफ से इतना अच्छा डांडिया की प्रस्तुति सरिता जी ने करवाई है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने मुझे इनवाइट किया और यहाँ कलरफुल सब दिख रहे हैं और अभी तो मैं आई हूँ, अभी मैं यहाँ आके अभी बहुत लोगों के साथ बहुत सारा डांस करना है, मस्ती करना है, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सरिता जी, आपने मुझे इन्वाइट किया, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं कहूँगी ये जो घर में महिलाएं रहती है उनके लिए बहुत अच्छी उड़ान है। हम अपनी इच्छाओं को यहाँ के डांस करके मौज मस्ती करके बहुत इंजॉय कर रहे हैं, ये वास्तव में उड़ान ही है हमारी है। क्योंकि उड़ान ने डांडिया सीजन 9 का आगाज किया है और सभी को एक उड़ान पंखों की उड़ान दे दिया है। ये कह रहे माता रानी के आशीर्वाद से हम लोगों को ये ऐसा मौका मिला और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं वो अगर खुश होंगी तो परिवार खुश होगा, परिवार खुश होगा तो समाज खुश होगा, और हमारे मतलब मजबूत समाज के लिए महिलाओं का खुश होना बहुत जरूरी है। तो आशा को एक उड़ान मिल गई जिसमें आशा वेलफेयर और उड़ान संस्था दोनों ने मिल करके आशा की उड़ान लिया। हम तो पहले तो सरिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, और उड़ान की वजह से हम लोगों को बहुत मस्ती करने का मौका मिलता है और आशा वेलफेयर की वजह हम लोगों को कम से कम गरीबों को रोजगार मिलता है और हम लोग बहुत मस्ती करते हैं हर साल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सरिता जी का बहुत बहुत थैंक्स, हम लोग यहाँ आए हो, इतना जोड़ने का काम इतना अच्छा करते हैं, इसलिए हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, फुल मन फुल मस्ती फुल धमाल। फुल मस्ती फुल धमाल को लेकर लोग डांडिया की पूरी तैयारी करके ड्रेसों के साथ साथ में जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं उड़ान के द्वारा और आशा वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा सारा कार्यक्रम हो रहा। तो मैम क्या कहना चाहेंगे? मैं आशा वेलफेयर फाउंडेशन की वॉइस प्रेसिडेंट हूँ राहिला खान, और उड़ान प्रस्तुति एक्चुअली हम लोग 4-5 साल हो गए हैं जो हम लोग लगातार आ रहे हैं और इन्जॉय करते हैं। सरिता जी का नेचर बहुत अच्छा है जो कि हम लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और हम लोग आते हैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं अपने बिजी शेड्यूल में। आज अभी संडे है, हम लोग फैमिली को छोड़ के यहाँ पर इन्जॉय करने आए हैं, तो बहुत ही मस्ती की, बहुत धूम मचाई, बहुत ही इन्जॉय किया। मैम यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ, मैंने अपनी लाइफ का इतना एंजॉय कहीं नहीं किया जितना यहाँ किया है। वाकई में ये इसका नाम उड़ान है, मैम ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। लेडीज़ को घर से बाहर निकल के एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोग एंजॉय नहीं कर पाते हैं, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि घर से बाहर आप अपने लिए टाइम दीजिए और आप खुश रहिए, एंजॉय करिए। थैंक यू। क्योंकि हमें तो यहाँ देख करके ऐसा लग रहा है कि सभी महिलाएं अपने में ही उड़ रही हैं और डांडिया की धूम को लेकर के एक नई उड़ान उन्होंने पकड़ी। यस मैम, ये सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, यहाँ जो लेडीज संकोच के साथ आई है वो भी एक उड़ान में है। बहुत दिल खुश कर दिया मैम, शिव की उड़ान बार बार। हाँ मैं
मैं आशा वेलफेयर की मेंबर हूँ और यहाँ बहुत अच्छा लगा मुझे। योगी उड़ान में मिल करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत मस्ती करी, काफी टाइम बाद इस तरह की मस्ती करने को मिला है। यहाँ पे इतना कलरफुल देखने को मिलना बहुत अच्छा लग रहा मुझे यहाँ आके आप लोगों के पास। और आज डांडिया जैसा कि मनीष जी ने और सरता जी ने बताया है और सरता जी ने मुझे यहाँ बुलाया है, तो थैंक यू सो मच सरता जी। आपका ये उड़ान सीजन 9 उड़ान में मुझे इन्वाइट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी हम सब मिलकर बहुत सारा डांडिया करेंगे, बहुत सारा इंजॉय करेंगे और आप सब बहुत खूबसूरत लगे हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे आके, बहुत इंजॉय किया और सब कुछ बहुत अच्छा। हम लोगों को तो बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, मेरी सुबह में औरतों को देख के और अच्छा लग रहा है, पूरी डांडी से भरी होगी सब लोग। बहुत अच्छा लगा, हम लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फन मस्ती, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। सरिता मैम के लिए क्या कहना चाहिए? सरिता के लिए वो बस अपने नाम के तरह ही है और उनकी उन्नति जो है ना वो एक नदी की तरह बहती प्रोग्रेस बहती जा रही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत मस्ती भरी शाम है, मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। सब दिल से
जुड़े हुए और सब फुल ऑन मस्ती में, जैसे आप देख रही हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। और उड़ान तो जो भी शो करता है वो हिट पे हिट होता है। तो कैसा लगा आज चला है? बहुत 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 अच्छा। हमें तो बहुत कम टाइम मिलता है, तो जब भी टाइम मिलता है मस्ती करने का हम निकल आते हैं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं महिलाएं यहाँ पे जो है मौज मस्ती कर रही हैं, जिस तरह से डांडिया का आयोजन हुआ है और सभी लोग जो है यहाँ पे एक से एक बढ़ करके। हेलो, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है। हमारे साथ में मैम भी आई, तो मैम से हम बात करेंगे कि आज का आयोजन कैसा लगा। तो मैम, आज का आयोजन कैसा लगा? बहुत ही अच्छा और बहुत भव्य प्रोग्राम, और सरता जी को इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में आशा वेलफेयर फाउंडेशन भी थी इस में, तो हर जगह हमारे साथ ही रहती हैं, हमारी सबसे अच्छी उसमें हुए हैं। कार्यक्रम बहुत अच्छा था, सबने बहुत मस्ती की, हमने भी की है और बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत जम गया एकदम माहौल। डांडिया की उड़ान के बहुत इंजॉय किए, बहुत अच्छा लगा। और आकर यहाँ पर एक नया देख कर तो मन और आएंगे, हर साल अच्छा लगा। ये बताइए, इस साल फर्स्ट टाइम आए थे, अब 5 साल आएंगे, बहुत मजा आया। और मनीष भी है तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। हम उड़ान डांस परिवार से, उड़ान का नाम लेते ही हम लोग पंख लगा के उड़ने लगते हैं, बाजार कुछ नहीं, कहीं भी रहते हैं पहुँच जाते हैं। हम हमारा भाई जहाँ वहाँ मंगल ही मंगल, इंजॉय इंजॉय सोचिए। आज हम लोगों ने पूरा धमाल मचा दिया, इतना बढ़िया गरबा तो कहीं देखा ही नहीं। उड़ान के उत्सव में उड़ करके, हाँ जी मैम, उड़ान के उत्सव में उड़ करके, हम तो उड़ान परिवार के ही, उड़ान के लिए ही पैदा ही हुए हैं, उड़ान ही में उड़ते हैं, उड़ान भरते रहते हैं। तो जिस तरह से डांडिया उत्सव मनाया जाए, सफल कार्यक्रम का सफल मंचन मनीष पांडे जी द्वारा किया गया था, तो मनीष पांडे जी से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? तो मनीष पांडे जी, सबसे पहले सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दशहरे की, नवरात्रि की और दीपावली की। कार्यक्रम बहुत शानदार हुआ, इस बार पूरे लखनऊ से महिलाओं ने यहाँ भाग लिया है। मुझे लगता है एयरपोर्ट से लेकर कुर्सी रोड तक की महिलाएं यहाँ पर, लगभग 350 महिलाओं ने उड़ान डांडिया उत्सव में भाग लिया, और बहुत ही शानदार, आप ही समझिए उत्सव जैसे होना चाहिए, और कोई शादी ब्याह, कोई ग्रैंड ऐसा शादी जैसा लग रहा है हम लोगों को, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। हम लोग उड़ान डांस क्लासेस 7-8 साल से जुड़े हुए, हर साल आते हैं, ऐसे ही धमाल मचाते हैं और अपने बचपनों में खो जाते हैं। मैं भी उड़ान में 7 से जुड़ी हुई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर। मैम का नेचर, सारे लोगों का नेचर बहुत अच्छा है, हम लोग तो हटते मतलब कहते हैं इंतजार करते हैं कि बस कोई ना कोई फंक्शन मैम के आता रहे, हम एंजॉय करते रहे। बहुत जैसे नाम है उड़ान, वैसे ही उड़ान है, गजब अमेज, इसको कहा नहीं जा सकता है कि कितना हर आदमी ने एंजॉय किया है, मतलब इतना हमने तो अपने लाइफ में इतना एंजॉय कभी नहीं किया। उड़ान इज द बेस्ट, नो एनी Wish you a very happy Dashera to all, और सभी को हैप्पी डांडिया नाइट। यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम उड़ान डांस क्लास के साथ जुड़ी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, और हम चाहते हैं कि ऐसी आगे और तरक्की बढ़ता ही जाए ऐसे, हमारी ये बेस्ट विशेष मैम के साथ। और मैम बहुत ही खुश नसीब है जिनको ऐसे हम जैसे को मिले हैं हमें। बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत इंजॉय किया, मस्त एकदम डांडिया के उत्सव में उड़ करके अच्छा लगा, बहुत बहुत मजा आया, रॉकिंग बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया हम लोग, बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय किया हमने। हम अभी थकी नहीं है जी, अभी थकान नहीं, नहीं नहीं, खाने के बाद फिर डांस कर रहे हैं। बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया, कैसा लगा? वेरी 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 नाइस, बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारा एंटरटेन हुए हम, और सच में ऐसा लगा कि अपने लिए जी रहे, इतनी सारी खुशी, और हर साल करेंगे, और वुमेन्स के लिए बहुत बेस्ट डे है जिसमें हम लोग जीते हैं अपने लिए, तो सो नाइस। यानी कि डांडिया उत्सव की उड़ान में उड़ करके अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा खाना था, उड़ान के तरफ से बेस्ट डिनर, और हर चीज इतना अच्छा, डेकोरेशन इतना फ्रीडम, मतलब हर चीज लगता ही नहीं कोई ऑनर है, कौन क्या है, सो 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 नाइस। बिल्कुल बेटा, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा सर, तमाम हमेशा जब भी उड़ान का, गरबा का, या फिर किसी भी चीज़ का प्रोग्राम रखती हैं, हम लोग को बहुत मज़ा आता है, हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं और खुल के इंजॉय करते हैं। और यहाँ पे खाने के भी स्टॉल्स थे,
और शॉप्स थी एसेसरीज़ की, ज्वेलरी की, तो बहुत ही मज़ा आया। फ़ोटो बूथ्स थे, हम लोग को बहुत मज़ा आया। यानी कि डांडिया उत्सव की उड़ान में उड़ करके अच्छा लगा। जी बहुत अच्छा लगा। तो आज हम आपको, हाँ बताइए, आप यकीन नहीं मानेंगे 300 की गैदरिंग हो गई है और हम लोग आखिरी में मैम से बोलते हैं, मैम प्लीज़ हमारे 2 लोग बच गए, 4 लोग बच गए, मुझे 5 चाहिए 5 चाहिए। इतने लोग यहाँ आते हैं, इतना एंजॉय करके जाते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे कि हम लोग को मैम के हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि मैम पासेस दे दीजिए, प्लीज़ पासेस दे दीजिए। मैम को कार्यक्रम हम लोग पीछे पड़ते हैं, मैम करिए, हम लोग आएंगे, मतलब इंतज़ार रहता है कि कब मैम क्या करेंगी। हालांकि मैम बहुत सारे कार्यक्रम, लेकिन उड़ान का तो, डांडिया का तो बात ही कुछ और है। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बेस्ट डांडिया नाइट रहा और बहुत इन्जॉय किए हम लोग। और कहना चाहती हूँ उड़ान के लिए, वहाँ पे मैं डांस क्लास भी सीखती हूँ, मैम तो बहुत प्यारी हैं और बहुत सुंदर भी हैं, अच्छा भी है। मैं ये कहना चाहिए, मैम ने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया है इससे हम लोगों के लिए बहुत अच्छा लगा। यहाँ आके हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, एक बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, हम लोग का गेट टुगेदर जो हुआ, तो मैम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ इस प्रोग्राम के लिए कि मतलब उस समय समय पर ऐसे इस तरह के प्रोग्राम हम लोग के यहाँ करवाते रहना चाहिए, जिससे हम लोगों को थोड़ा सा बहुत अच्छा एंजॉय करती हैं लेडीज़। सीज़न 9 का आगाज, हाँ सीज़न, अगले सीज़न के लिए भी हम लोग तैयार हैं, रेडी हैं, अगर होता है तो हम लोग भी वहाँ फिर से पार्टिसिपेट करेंगे। और मैम को इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू कहना चाहती हूँ। तो आज हम आपको लेकर के आए थे रघुवर लॉन में, जहाँ पर उड़ान संस्था के द्वारा उड़ान प्रस्तुतिकरण किया था, डांडिया नाइट का किया गया था, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में महिलाएं मौजूद थी जिन्होंने डांडिया उत्सव में एक नई उड़ान लिया। और डांडिया उत्सव में आकर के उनको जैसे लगा उनको एक नए पंख मिल गए और सभी महिलाएं डांडिया के मौज मस्ती में खुद ही उड़ रही थी। तो आज हम आपको लेकर के आए थे रघुवर लॉन में, जहाँ पे सरिता जी के द्वारा, जो कि संस्था की ऑनर भी है और संस्था की अध्यक्ष भी, उनके द्वारा जो डांडिया उत्सव का आगाज किया गया, सीजन 9 का आगाज किया गया। तो ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे नवरात्रि स्पेशल में पूरे लखनऊ में किस तरह से डांडिया की धूम मच रही है। तो आज हम आपको लेकर के आए थे रघुवर लॉन में, जहाँ पे उड़ान संस्था के द्वारा डांडिया उत्सव का आगाज किया गया था सीजन 9 का। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।